तो इसका लेदर बैक, इसका बैक आप देखोगे काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा, फॉक्स लेदर है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे आपको जब आप फ़ोन को देखोगे या पब्लिक में कहीं पे भी निकालोगे फ़ोन को, तो आपको काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा। हजार का बजट है और आज सोच रहे हो यार मोबाइल कौन सा ले। यार ऑब्वियसली बात है, 30,000 रुपए छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो उल्टे पुल्टे कंपनीज के मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में। लेकिन देखो, मार्केट में बहुत सारे फोन आपको मिलेंगे 30,000 के अंदर। जो हम आपको बताने वाले हैं 30,000 के अंदर, वो सिर्फ 3 फोन है जो बेस्ट है अपने सेगमेंट में। अगर आपको खरीदना है, 30,000 का बजट है, तो आप इन 3 फोन को ही कंसिडर करना, इसके अलावा बाकी सब कूड़ा है। तो देखो यार, ब्रांड वालों ऑफेंड मत होना, ये तो बस हमारी एनालिसिस, हमारी कम्युनिटी ने बताया कि ये फोन अच्छे हैं, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उन्होंने वही शेयर किया और वही हम हमारे कस्टमर्स को भी बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको तीनों फोन के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे हम एक से एक टेक हैक्स लेके आते हैं, नए नए कंटेंट, नए नए एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं, जिससे आपको काफी ऐसे बेनिफिट मिलेगा और आप 5% डेली स्मार्ट बनोगे अपनी लाइफ के अंदर। अब आते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहला स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में है OnePlus Nord C35। देखो ये फोन ऑब्वियसली बात है, OnePlus वाले जो हैं, जिनको 30,000 रुपीस खर्च करना है, वो सबसे पहले OnePlus पे ही जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि OnePlus सबसे बेस्ट फोन बना रहा है। देखो ये वो OnePlus नहीं है जो OnePlus आपको 50,000 में मिलता है। एक बात आप अपने दिमाग में डाल लो, ये सस्ता Oppo या सस्ता Vivo कह लो। तो देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 782G ऑक्टाकोर प्रोसेसर। इसके अलावा इसमें रैम और रोम आपको 8GB 128GB का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कैमरे की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी मिलने वाला है आपको। इसके अलावा इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जो कहीं ना कहीं काफी अच्छी सेल्फी खींचेगा और काफी आपको ऐसे मजा दिलाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का फ्लूइड अमोलेड डिस्प्ले आने वाला है, जो कहीं ना कहीं काफी कलर रिच है और काफी फ्लूइड भी है। इसमें जो एंड्रॉइड है उसका वर्जन एंड्रॉइड 13 है, और यार OnePlus का फोन है तो ऑब्वियसली बात है इसमें अपडेट्स भी आते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी की, इसमें अराउंड 5000 mAh की बैटरी आएगी। इसके साथ ही 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है फोन के अंदर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो देखो इसकी जो प्राइस है वो है 26,998 रुपए अभी जिस समय हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, बट आने वाले टाइम में अभी बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, उसमें आपको ये फोन बहुत सस्ता मिलने वाला है। दूसरे नंबर पे हमारा जो फोन है वो है Realme का 11 Pro Plus 5G। नाम तो काफी बड़ा है लेकिन फोन भी काफी अच्छा है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। अब देखो इसमें जो प्रोसेसर है इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते स्नैपड्रैगन से, बट हाँ ये थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, बट ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। तो अब आते हैं इसके मुद्दे पे और बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको मीडियाटेक का डिमनिस्टी 7050 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें 8GB 256GB की स्टोरेज मिलेगी। अब जो इसमें सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है वो है इसका कैमरा। 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा मिलेगा, जिसकी वजह से कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जो आपको बाकी के रियर कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर मिलेगा। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो भाई 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो मतलब ऐसे सेल्फी वेल्फी खींचने में ना काफी मजा आएगा आपको इस फोन के अंदर। 6.7 इंच का इसमें डिस्प्ले आता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और इसके अंदर आपको मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले। बात करते हैं इसमें ओएस की, तो इसके अंदर भी आपको एंड्रॉइड 13 आएगा, बट आपको सिक्योरिटी अपडेट्स और ओएस अपडेट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बैटरी की बात करें, 5000 एमएएच की बैटरी आती है विद 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ये फोन आपका बेटर चार्ज होगा कंपेयर टू OnePlus Nord। अब देखो यार, 3 चीजें हैं जो इस फोन को यूनिक बनाती है। पहला तो इसका लेदर बैक, इसका बैक आप देखोगे काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा, फॉक्स लेदर है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे आपको जब आप फ़ोन को देखोगे या पब्लिक में कहीं पे भी निकालोगे फ़ोन को, तो आपको काफ़ी प्रीमियम फील कराएगा। दूसरा इसका जो टॉकिंग पॉइंट है वो है इसका कर्व डिस्प्ले, और तीसरी इसकी सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट है वो है इसका फास्ट चार्जिंग। देखो ये बात हो गई, अब आते हैं प्राइस पे। इसकी जो प्राइस है अभी जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं 27,599 रुपए का लिस्टेड है। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हो। तीसरा और आखिरी फोन जो हम आपको बताने वाले हैं, ये थोड़ा सा आउटडेटेड तो हो गया है, बट ये इन दोनों फोन से
बेटर हर मामले में। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G की। तो बेसिकली S20 FE 5G हमारे कम्युनिटी में काफी टाइम से यूज हो रहा है, अराउंड 6 से 8 महीने हो चुके हैं इस फोन को। इसी फोन से हम कई सारे वीडियो शूट भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसका कैमरा बेटर है कंपेयर टू ऑल अदर टू, क्योंकि हमने उनको भी यूज किया है। चाहे उसका कैमरा 200 मेगापिक्सल हो चाहे यार 800 मेगापिक्सल हो, बट इसका 12 मेगापिक्सल उसको काफी अच्छे से बीट करता है। चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, क्यों ये अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 865 चिपसेट 5G एनेबल। अब यार इस चिपसेट की तो मैं क्या ही बात करूं। सबसे पहली बात सिंपल सा समझो, 800 सीरीज का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 700 से तो बेटर ही है। एफिशिएंसी के मामले में नहीं बात करूंगा, क्योंकि जो 700 का जो OnePlus में लगा हुआ है वो ज्यादा एफिशिएंट है। बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की। इसके अंदर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 862 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 5G में आ जाता है ये फोन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 8GB रैम, 128GB का रोम मिल जाएगा इसके अंदर आपको, 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा प्लस 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा, और डेप्थ सेंसर भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का आता है, ऐसे सेल्फी कैमरे के हिसाब से काफी अच्छा साबित करता है। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो फिर डिसेंट NFS 6.5 इंच का डिस्प्ले है, जो ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, तो आपको एनफ रहेगा चाहे पॉकेट में रखने के लिए चाहे आपको कहीं भी लेके ट्रैवल करने के लिए और मूवीज देखने के लिए। अगर मैं इसके रिफ्रेश रेट की बात करूं तो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें मिल जाता है, और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो उन दोनों फोन्स में नहीं मिलता है, उसमें आपको नॉर्मल एमोलेड और फ्लूइड एमोलेड ही मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी की, तो 4500 एमएएच की बैटरी है, जो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी कम है, और आपको थोड़ा सा चार्जिंग वगैरह में दिक्कत होने वाली है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो देखो, आप ये सोच रहे होगे कि यार सैमसंग का फोन है, स्नैपड्रैगन लगा हुआ है तो महंगा होगा। ऐसा कुछ नहीं, ये फोन अभी आज के टाइम पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ 25,000 का फोन है। इवन आपको डिस्काउंट लग के 22,000-23,000 रुपए में आपको ये फोन पड़ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की, कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। हमारे इस इवैल्यूएशन OnePlus Nord CE 3 जो है वो बेटर साबित होता है इन तीनों में, अगर आपको न्यू फोन लेना है, बिल्कुल न्यूली लॉन्च लेना है तो। लेकिन अगर आपको फास्ट प्रोसेसर चाहिए, आपको अच्छा कैमरा चाहिए, आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, आपको अच्छा ब्रांड नेम चाहिए, तो आपको गैलेक्सी S20 FE 5G के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये फोन जो है ये ज्यादा रिलायबल है और इसकी UI भी काफी अच्छी है, और काफी सारे आपको ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको OnePlus में नहीं मिलने वाले हैं। तो बेसिकली ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में सेम टाइम पे सेम जगह पे, तब तक के लिए गुड बाय।